शुभरान वैली, जो कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की मशहूर वैली का खान में वाक़िया है। ये 7,749 फीट की बुलंदी पर वाक़िया है। शुभरान का अगर फासला देखा जाए तो इस्लामाबाद से तकरीबन 229.6 किलोमीटर है, बालाकोट से 34 किलोमीटर। सारा साल लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हैं। टूरिस्ट यहाँ की कुदरती खूबसूरती, कल्चरल एक्टिविटीज़, फूड की वजह से रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पहुँचकर आपको सबसे पहले तो जीप करवानी पड़ती है, क्योंकि सड़कों की हालत टॉप पे जाने के लिए ठीक नहीं है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर यहाँ के रेस्टोरेंट की बात की जाए तो उनकी भी काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। इस बारे में एक फैमिली की राय लेते हैं। जी, मैंने सुना है सारा ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज किया है। हाँ जी, ये है कि मेरी फैमिली है, ये सारे मेरे अपनी फैमिली है, इसीलिए करना पड़ता है। अच्छा, तो वैसे मैंने देखा आप भाग भाग के सारे काम कर रहे हैं, सबको आप ऑर्गेनाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये है कि आपको क्या आप रिकमेंड करते हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन ये जो यहाँ की मैनेजमेंट है, खासतौर पर जो होटलों वाले थे, ये अल्टरनेटिव कोई इंतजाम नहीं किया पानी का, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स। मतलब ये है कि पानी की काफ़ी प्रॉब्लम है, बाकी होटल ठीक है। तो गीजर वगैरह चलेगा यहाँ के? नहीं, कोई नहीं चले, क्योंकि कह रहे हैं जितने में आके कहते हैं जी ग्लेशियर की वजह से पानी बंद है, पता नहीं आप देखें ये तो इसकी वजह से। तो रोड ठीक है यहाँ के? हाँ, रोड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जीपों वाला ये भी ठीक है, तो ये है कि आना चाहिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये के। लेकिन ये है कि कंडीशन ये है कि पहले पूछ रहे कि पानी का या इंतजाम है कि नहीं है, इसके अलावा अगर पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अपना बताएं, आप किस जगह पे आए हुए हैं पहले? शुक्रान में आए हुए हैं। तो आप रेकमेंड अच्छा करते हैं लोगों को कि यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मौसम में तो स्पेशली फैमिली को नहीं आना चाहिए, लड़के लड़के हो तो आ जाए, यहाँ पर पानी का बहुत मसला है, और फिर बच्चे और फैमिली होती है, फिर सौ तरह की ज़रूरत होती है पानी की, तो वैसे आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई हैं यहाँ पे? इंतजामिया जो होती है वो भी मजबूर होती है, जो पानी नहीं होता वो आपको कहाँ से देंगे, तो इसलिए जून जुलाई। चले, आपका ये पैगाम हम आवाम तक पहुंचा देंगे, अगर तो वो समझ सके ठीक है, फिर जिस तरह आप फेस कर रहे हैं वो भी फिर वैसे ही आके मुश्किलात फेस करेंगे। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा चेक एंड बैलेंस करें, यहाँ आए देखें यहाँ पे जो रोड्स बनाए हुए सड़कें वो उनकी हालत तो खराब है, उसको बेहतर करें, बारिश हो जाए तो हर तरफ मिट्टी मिट्टी। तो वैसे तो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग इंजॉय करने यहाँ आए हुए हैं, इसके बावजूद इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग देखे इंजॉय करने के लिए आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं, और वो जब यहाँ पे आके आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। चले, तो वापस जाने के बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंजॉय करें, ये मुश्किलात तो चले लाइफ में होती है, आप इंजॉय करें, अब आप इतनी दूर से आए अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू।